लहरा गागा दे पिंड खोखर खुरद विच एक ईटीटी पास बेरोजगार अध्यापक ने खुदकुशी कर ली। काफी पढ़िया लिखिया होने दे बावजूद उसनू नौकरी नहीं मिली, जिस कारण वो काफी परेशान रहिंदा सी। परिवार वालिया मुताबिक लॉकडाउन तो पहला उसने दुकान भी खोली सी, पर उस विच भी घाटा पै गया। परिवार वालिया दा कहना है कि जेकर सरकार ने वादे मुताबिक नौकरी दे दित्ती हुंदी तां उन्हां दा बेटा खुदकुशी दी राह कदे ना चलदा। मेरा बेटा सी जी तेजेंद्र कुमार, 24 साल उम्र सी, ईटीटी करी हुई सी, 14-16 च करी सी, नौकरी मिली नहीं है, मजदूरी करता है। कितने टाइम तो इन्हें कोई नौकरी वाल ध्यान दिता इन्हें? हाँ जी, ये पटियाले भी गया सी, चंडीगढ़ भी जा गया, कई बार जा गया। मेरे दिमाग च नहीं, मेरे नाल कोई गलबात नहीं, वैसे परेशान रहिंदा सी। जी सरोज, मुंडा मेरा पुत्त लगता जी, ज़्यादा पढ़िया होया सीगा, नौकरी वास्ते बाहर भी जाता थी, सारे कितने पढ़ लिया, उन्होंने नौकरी नहीं मिली, फिर दिहाड़ी तो मजबूरी कर लग गया। हाँ जी, उत्थे जाते थी कि नौकरी मिले, फिर मिली है नहीं गी जी, ना मैंने तो कुछ नहीं दस्या जी, आप दे आप हो गया काम कार तो बस उन्होंने मिले ही नहीं, फिर सैलर चलाता थी, सारे कितने फिर लिया, उन्होंने कम नहीं मिले, ज़्यादा पढ़िया होया थी जी। पिंड वासियों का भी कहना है कि सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए। हैं जगतार सिंह जी, तेजेंद्र कुमार सी जी, राजकुमार का बेटा जी, पहला तो जी इन्होंने ईटीटी की जी, तो फिर इन्होंने ड्राइंग टीचर का कोर्स किया जी, उदू बाद जी इन्होंने दुकान की, लॉकडाउन तो पहला ही दुकान भी जानी फेल हो गई जी, कोई एडा हो नहीं सी, बच्चा इंटेलीजेंट बहुत सी जी, सैलर दे विच दिहाड़ी लग गया जी, कारण बस इस फिक्र दे विच जी भी आपने इन्नी पढ़ाई करके भी किहड़े रस्ते पै गए जी, मैं परेशान होण करके जी बस हाँ कल सुसाइड कर लिया। मेरा नाम जरनैल सिंह जी, कारण तो मुंडा पढ़िया लिखा वध सी, वधिया पढ़िया लिखा थी, तो बाकी बेरोजगारी के कारण नौकरी मिली नहीं, ये अजकल सैलर च दिहाड़ी कर रहा सी, दिहाड़ी कारण मानसिक तौर पर परेशान रहने लग गया, तो जो रात उन्होंने हमसे सुसाइड कर लिया। दूजे पासे पुलिस ने लाश नू कब्जे विच लै उसका पोस्टमार्टम करवाया अते उस तो बाद लाश परिवार के हवाले कर दिती। खोखर वाला कल सानू मतलब कि 9-6 नू कल सानू इतलाह आई इत्थों खोखर कोर तों भी जिहड़ा तजेंद्र कुमार विंदर पुत्र राजकुमार भी ने अपने घर से सुसाइड कर लिया। असीं मौके पर गए सीगे, मौके पर जाके देखा वो कमरे के पखे के नाल कुंडी नाल लटक रहा सीगा, ते उहदे फादर का बयान देख के असीं जी कार्रवाई 174 CRPC से अमल च लिया है, तो अज वह पोस्टमार्टम करके जी लाश वो वारसों के हवाले कर दी। कारण पता लगे जी, कारण जो उन्होंने बयान लिखाया जी, वो एक तो घरेलू आर्थिक तंगी दसी है, तो दूसरा वो कहें भी ईटीटी का कोर्स किया, नौकरी नहीं मिल रही, इस करके उन्हें मतलब सुसाइड किया जी। फिलहाल परिवार विच सरकार खिलाफ भारी रोस पाया जा रहा है, उन्हां दा कहना है कि सरकारां सिर्फ लारे लाउण तक ही सीमित हन, लोड़वंदां वल सरकारां दा बिल्कुल ध्यान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट द पोलिटिकल एज।